हेलो गाइस, आई एम भविष्य विंग फ्रॉम फ्यूचर स्मो अकेडमी और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रीब्यूटरी ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ चिल्ड्रन। सो लेट्स स्टार्ट। सो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, पहले हमने अपनी वीडियो में पढ़ा कि कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या होता है और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस ऑफ चिल्ड्रन। तो जैसे हम जानते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में क्या होता है, हमारा प्लेंटिव भी जो है वो इनोसेंट नहीं होता। लेकिन अब इस ऑफ चिल्ड्रन से हमारे को यहाँ पे क्या समझ आ रहा है, मतलब कि जो इसके अंदर जो नेग्लिजेंस होगा वो एक बच्चे के द्वारा किया जाएगा, जो इसमें प्लेंटिव जो होगा वो एक बच्चा होगा। तो देखते हैं हम क्या डेफिनेशन की क्या कहती है। व्हेन द प्लेंटिव इज अ चाइल्ड और सच अ पर्सन अंडर सम फॉर्म ऑफ पर्सन इन कैपेसिटी, मतलब कि या तो एक प्लेंटिव जो होगा हमारा चाइल्ड होगा या एक ऐसा पर्सन होगा जो मतलब पर्सन फॉर्म इन कैपेसिटी, मतलब कि वो इतना सफिशिएंट नहीं होगा, इतना बड़ा नहीं होगा, बच्चे की उम्र का ही होगा। इट इज सफिशिएंट इफ ही शोज एज मच केयर एज अ पर्सन ऑफ दैट एज में रीजनेबली वी एक्सपेक्टेड टू शो दैट ही इज एंटाइटल्ड टू क्लेम डैमेजेस, मतलब कि उसने अपनी उम्र से ज्यादा केयर दिखाई किसी भी चीज को लेकिन फिर भी उसे डैमेज हो जाता है तो वो उन डैमेजेस को क्लेम करने के लिए लायबल है। ये होता है हमारा कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस ऑफ चिल्ड्रन। तो इसका हम केस लॉ में पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है हमारा, जल्दी वीडियो खत्म हो जाएगी। लेकिन आप अगर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस को आप समझना चाहते हो तो आप इससे मेरे पहले की वीडियो के पार्ट्स भी समझ सकते हो, तभी आप कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस ऑफ चिल्ड्रन समझोगे, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में आपको समझा चुका हूं कि क्या होता है। तो एक केस हुआ था लाइंच वर्सेस नोडिन 1841 में। इसमें क्या था, डिफेंडेंट नेग्लिजेंटली लेफ्ट हिज हॉर्स एंड कार्ट अनअटैच इन ए स्ट्रीट। जो डिफेंडेंट था उसने अपना घोड़ा और अपने घोड़े की बग्गी एक मतलब बिना बांधे एक स्ट्रीट में खड़ी कर दी, ठीक है। एंड द प्लेंटिव, जो हमारा प्लेंटिव है 7 साल का एक बच्चा है और वो उस पे उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसकी कार्ट के ऊपर, क्लाइम्ड इनटू इट व्हाइल अनदर बॉय मेड द हॉर्स मूव ऑन, और उसके साथ में जो एक दूसरा लड़का था उसने घोड़ों को मूव कर लिया, मूव चला दिया, तो उससे क्या हुआ, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द प्लेंटिव फेल डाउन, और उसकी वजह से जो बच्चा दूसरे जो लड़का था उसने जैसे घोड़े को हिलाया तो प्लेंटिव जो था हमारा 7 साल का जो बच्चा था वो गिर गया, ठीक है। तो प्लेंटिव फेल डाउन एंड सफर्ड इंजरीज, उससे प्लेंटिव को हमारी इंजरीज हुई। इट वाज वेल दैट द डिफेंडेंट वाज लायबल। तो इसके अंदर डिफेंडेंट हमारा लायबल क्यों हुआ, डिफेंडेंट हमारा इसलिए लायबल हुआ क्योंकि जो उसने अपने जो नेग्लिजेंटली हॉर्स और कार्ट को अनअटैच एक स्ट्रीट में छोड़ दिया था, इसकी वजह से डिफेंडेंट लायबल हुआ। जो हमारा प्लेंटिव था 7 साल का बच्चा जो था उसको इसकी पूरी की पूरी इंजरीज उसको फुलफिल करी जाएंगी। ये होता हमारा कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस ऑफ चिल्ड्रन। इसमें हमारा प्लेंटिव जो है वो भी एक नेग्लिजेंस करता है, भाई वो भी तो चढ़ रहा है ऊपर, गलती कर रहा है, लेकिन वो बच्चा है, इनकेपेबल है, इतना समझदार नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से ज्यादा उसने केयर दिखाई थी। दूसरे बंदे ने क्या करा, वो घोड़े जो साथ में उसका था, चाहे साथ में नहीं था चाहे अलग था, दूसरे लड़के ने क्या करा, वो घोड़ों को मूव कर दिया जिसकी वजह से गिर गया, उससे उसे इंजरीज हुई। ये होता है हमारे इस पूरे केस के अंदर। तो ये हमारा आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। सो थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द बेल आइकन, और अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस चाहिए हो तो आप नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो, और अगर आपको ऑनलाइन नोट्स चाहिए हो तो आप इंस्टाग्राम फेसबुक टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।